मध्य प्रदेश विधानसभा के सदन से जवाहरलाल नेहरू की छायाचित्र हटाने को लेकर तकरार बढ़ती जा रही है। बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जवाहरलाल नेहरू की छायाचित्र को लगाने को लेकर रोका टोकी हुई। विपक्ष की ओर से कई बार राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जवाहरलाल नेहरू की छायाचित्र को लगाने की मांग विपक्ष ने की। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस बढ़ती देख विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने इस पूरे मामले को लेकर एक कमेटी का गठन का ऐलान किया। यह कमेटी विधानसभा में लगने वाले छायाचित्र को लेकर मंथन करेगी। इस कमेटी में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के नेता शामिल रहेंगे। भाई, तस्वीर को लेकर हमने एक कमेटी बनाने का आग्रह अध्यक्ष से किया था। अध्यक्ष जी ने घोषणा भी कर दी है, हम नेता प्रतिपक्ष के साथ मिलकर उनके दल से कौन नाम होगा वो कमेटी बनाएंगे, क्योंकि आखिर हर चीज़ की एक मर्यादा होती है। जैसा कि मैंने सदन में भी कहा कि हम सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ तो चारवाक को भी ऋषि कहा गया, जिसने कहा कि उधार लो और घी पियो, तो हमने उसको भी ऋषि माना है। तो हमारे यहाँ सब विचारधाराओं का सम्मान करने की पुरानी परंपरा है। तो महापुरुष तो महापुरुष होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता है, किसी दल का नहीं होता, वो समाज का होता है। तो उसका हम सम्मान करते हैं, और इसीलिए एक विधानसभा की कमेटी बन गई, क्योंकि महापुरुषों की संख्या बहुत है। अब कितना हम इसको विधानसभा में कहाँ लगा सकते हैं, इन सब चीज़ों को बातों को ध्यान में रखते हुए और कहाँ किसको स्थान देना। अब क्या बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लग गया पिछले सत्र में, तो क्या उनको हटाना, उनकी जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू का चित्र लगाना, ये और ज़्यादा अपमानजनक होगा। और इसलिए क्या नेहरू जी ही प्रधानमंत्री रहे देश के, उसके बाद के प्रधानमंत्री, जैसा कि रामेश्वर शर्मा जी ने आज सदन में कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के, उनका तो होना ही चाहिए। तो अगर ये सारी बातें आएगी तो मेरा ख्याल है विधानसभा विधानसभा नहीं होगा, एक तरीके से पूरा की पूरा संग्रहालय बन जाएगा। तो हमें विधानसभा की मर्यादा भी रखना है और महापुरुषों का सम्मान भी करना है, हम दोनों बात का ध्यान रखें।